अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और चने दाल की बहुत ही बढ़िया रेसिपी, स्वादिष्ट रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ चना का दाल लिया है, पालक लिया है और थोड़ा सा मेथी के पत्ते। सबसे पहले मैं कुकर में दाल को मैंने अच्छे तरह से धो लिया है। इसे आप चाहे तो एक दो घंटे के लिए भिंगा कर भी रख सकते हैं। मैंने धो कर ऐसे ही डाल रही हूँ। मैं पालक डालूँगी, पत्ते, हाँ मैंने दो प्याज काट कर रखे हैं, एक मोटा सा हिस्सा काट कर रखे, एक पतला हिस्सा, ये मोटे वाले हिस्से को मैं डालूँगी। हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच लाल रेड चिल्ली पाउडर, चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, चार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, अब घी डालूंगी, घी डाल दिया है। मैंने दो तीन सीटी लगने पर फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। कुकर का सारा हवा निकल चुका है। यहाँ गैस पे कढ़ाई बैठा चुकी हूँ, इसमें तेल डालूंगी। तेल गर्म हो चुका है, इसमें लहसुन मैं डालूंगी। एक मिनट, एक चुटकी हींग डालूंगी, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, थोड़ा हल्का ही भूनना है। मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डालूंगी, थोड़ा हल्का सा इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, कुकर में मैंने डाला था नमक, इसलिए इसमें हल्का ही नमक डालूंगी, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगी। मेरा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, मैं डालूंगी पालक और चने की दाल को मिलाकर इसमें डालूंगी। ये रेसिपी मेरी मम्मी, दोस्तों मैंने अपनी मम्मी से रेसिपी को बनाना सीखा है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। हरा धनिया डालूंगी, अच्छी तरह मिला लूंगी, इसे हाई फ्लेम पर ही दो मिनट तक उबालूंगी। इसमें हल्का सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पालक और चने की दाल की रेसिपी है दोस्तों, बनाकर आप खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, बहुत ही आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। मेरा रेसिपी तैयार हो गई है, अब मैं गैस बंद करूंगी। अब मैं सर्व करती हूँ। मैं सर्व कर चुकी हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, बनाकर ज़रूर खाएं दोस्तों। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।